एक समय की बात थी, एक छोटी लड़की अपने पिता के साथ कई दिनों से रह रही थी। वह उसकी माताजी अपने पिताजी के यहाँ पर गई हुई थी क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था। अरे ममता, इतने दिन हो गए, अभी तक तुम्हारी माताजी लौट कर क्यों नहीं आई है घर पर? उनकी अभी राखी नहीं बंधी क्या अपने भैया की कलाई में? अब तो बहुत ज्यादा समय भी हो चुका, एक काम करते हैं, हम दोनों ही बुलाने चलते हैं उनको, नहीं तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, हमारा खाना पीना भी अच्छे से नहीं मिल रहा। जब तक तुम्हारी माता जी नहीं आएंगी जब तक तो हम कुछ खा भी नहीं पाएंगे। हाँ हाँ पिताजी, जल्दी चलिए नाना जी के घर पर, बहुत ज्यादा मजा आएगा और मैं अपने नाना जी से बहुत सारी बातें करूंगी और मेरी माता जी भी वहीं पर मिलेंगी मुझे और मेरे नाना जी मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज खिलाएंगे। जल्दी चलो ना पिताजी, मैं भी चलती हूँ नाना जी के घर पर। चलो पिताजी चलो। अरे हाँ बेटी, इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है? चलता हूँ चलता हूँ। तेरी मम्मी वैसे भी कुछ भी खाना वाना तो बनाती नहीं है, पर यार वो नहीं होती तो घर में मन नहीं लगता। अरे पिताजी, माताजी की बुराई करना बंद भी करोगे या नहीं? जल्दी चलो और मैं अपने नाना जी से बात करूंगी। इतनी सब बात कहते ही लड़की वहां से निकल जाती है और उसके पिता भी वहां से चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद चलते चलते दोनों गांव को पार कर अपने नाना जी के घर पर जाकर पहुंच जाते हैं। वहीं वह लड़के को अपनी पत्नी दिख जाती है और बोलता है, अरे कितना अच्छा लगा तुम्हें अपने पिताजी के यहाँ पर आकर, अब तो बहुत दिन रहली हो तुम, चलो अब हमारा भी थोड़ा ख्याल रख लो। अरे जी बस, देख लिया तुमने, दो चार दिन के अकेले रहे, सब कुछ चंदा तारे दिख गए ना तुम दोनों को। मैं राखी बांधने क्या आ गई अपने भैया के घर पर, दोनों ही अपने नाना जी के घर पर, और आप भी अपने पापा जी के घर पर आ गए एक मिनट में। हाँ हाँ क्या हो गया, आ गए तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरी बेटी और मेरे बेटा आए हैं। कैसी हो बेटी, ठीक हो ना? नाना जी से प्यार नहीं करोगी? अरे नाना जी, मैं तो आपके यहाँ पर आने को बहुत ज्यादा उतावली हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और माता जी, आप कब जाओगी घर पर, जल्दी चलो। हाँ हाँ तुम तो जाती ही नहीं अगर मैं नहीं आता तो, अब जल्दी से चलो यहाँ से, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, घर पर चलकर कुछ खवा देना। अरे अरे बेटे, इतनी ज्यादा ही जल्दी क्या है, थोड़ी देर रुको और यहाँ पर ठहरो और कुछ मैं नाश्ता वगैरह लेकर आता हूँ, उसको खा पी कर जाना, क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो, अभी से जाकर क्या करोगे वहां पर? अरे पिताजी चलो, जब जो इतनी दोनों जिद ही कर रहे हैं तो चली जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना, ठीक है? हाँ हाँ बेटी, अभी तेरा भाई ऑफिस से काम कर आ ही रहा होगा और तुम तीनों भी अच्छे से जाना, रास्ते में बहुत ज्यादा खतरा होता है क्योंकि जंगल रास्ते के पास ही पड़ता है ना, तो ठीक है तुम तीनों चले जाओ और आराम से जाना अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। अरे आपने कैसी चिंता करी पिताजी, मैं हूँ तो हूँ इनके साथ, वह इनको क्या हो सकता है, आप चिंता मत करिए। तो चलते हैं हम पिताजी, ठीक है? इतनी सब बात कहते ही वह वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही देर के बाद चलते चलते रास्ते में पहुंच जाते हैं। तभी वह उसकी पत्नी को एक आवाज सुनाई देती है और वह वो मुड़कर देखती है। अरे अब पीछे क्यों देख रही हो, क्या फिर से अपने पिताजी के घर पर जाने का मन कर रहा है क्या तुम्हारा, क्यों देख रही हो अब पीछे, जल्दी चलो ना तुम दोनों को, क्या हुआ है? अरे अरे जी, अभी पीछे से किसी की हंसने की आवाज आई थी, क्या आपको नहीं आई वो आवाज? कितनी डरावनी तो आवाज आई थी पीछे से, क्या आपके कानों तक वो आवाज नहीं पड़ी? बोलो कुछ बोलते क्यों नहीं हो, शांत हो जाते हो? अरे माता क्यों मुझे डरा रही हो, मुझे वैसे भी डर लग रहा है और मुझे डराई जा रही हो आप, कितना भयानक जंगल है। हाँ हाँ मेरी बेटी को क्यों डरा रही हो, जल्दी चलो, तुम्हें भला किस किस की आवाज आती रहती है, जल्दी चलो यहाँ से, कोई भी नहीं है, इतने भयानक जंगल में क्या क्या बोल रही हो। इतनी सब बात कहते ही वह तीनों वहां से निकल जाते हैं
और कुछ ही देर के बाद चलते चलते अपने घर पर आकर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर यह लड़का बोलता है, अब सो जाते हैं, बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और मुझे तो बहुत ज्यादा थकान भी महसूस हो रही है। बेटी तुम आराम से ऊपर गद्दे पर सो जाओ, हम दोनों नीचे सो जाते हैं आज। इतनी सब बात कहते ही यह तीनों एक दूसरे की जगह सो जाते हैं। और वह सोते सोते कुछ ही देर के बाद लड़के को एक आवाज सुनाई देती है और आवाज बहुत ज्यादा भयानक होने के कारण यह लड़का उठ जाता है और उसकी नींद खुल जाती है और आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा डर भी जाता है और इधर उधर देखता है और वह फिर बोलता है, अरे बापरे, ये इतनी भयानक आवाज वह कहाँ से आ रही है, एक बार मुझे चलकर ही देखना होगा। मुझे ये भी बता रही थी कि किसी की आवाज आ रही है, एक बार मैं चलकर देखता ही हूँ कि ये आवाज किसकी है, इतनी भयानक आवाज कौन निकाल रहा है। इतनी सब बात कहते ही लड़का वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद चलते चलते वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसकी पत्नी को आवाज आई थी और वहां जाकर बोलने लगता है, यहीं से तो आवाज आ रही थी पर यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, घर पर निकल जाता हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, अगर कोई सामने जानवर आ गया तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मुझे तो लग रहा है किसी भेड़िया या फिर किसी और जानवर की आवाज हो सकती है, वो यहाँ से जल्दी निकलने में ही भलाई है मेरी। इतनी सब बात कहती ही पीछे उसकी एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, जरा अपने पीछे तो देख ले, कितना भयानक भूतनी खड़ी है तेरे पीछे, और कितनी भयानक है देखना। तभी वह लड़का पीछे मुड़कर देखता है, भूतनी उसकी दूसरी साइड आ जाती है। अरे कौन आवाज लगा रहा था अभी मुझे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और अभी ये इतनी भयानक आवाज में मुझसे कौन बोला था, अरे राम कौन है। अरे पीछे तो देख अपने, कितनी भयानक भूतनी है, अपने पीछे देख कौन खड़ा है। तभी वह लड़का दोबारा पीछे मुड़कर देखता है और यह वो चौंक जाता है, अरे बापरे, ये आवाज मुझे फिर से सुनाई दी और यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कौन लगा रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है यहाँ पर। अरे अपने पीछे देख, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, अब तुझे मारूंगी, बहुत ज्यादा देर हो गई है अब तुझसे खेलते खेलते, अब तुझे मारने का वक्त आ चुका है। लड़का यह चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चुड़ैल का रूप इतना भयानक होता है कि लड़के ने सोचा भी नहीं था। अब तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझे खाऊंगी और तेरा खून पी जाऊंगी मैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है मुझे, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे चुड़ैल तू हमें क्यों मारना चाहती है, वह मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है चुड़ैल, जो भी तू मुझे मारना चाहती है। छोड़ दे चुड़ैल और मुझे यहाँ से जाने दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी भी इस जंगल में झांकूंगा भी नहीं। जाने दे चुड़ैल, अब मैं नहीं आऊंगा, मैंने तुझसे बोल दिया, अब कभी भी मैं अगर तुझे यहाँ पर दिखा तो तू मुझे मार डाल और मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगा। ठीक है तो मैं तुझे बाद में क्या मारूंगी, मैं तुझे अभी खा जाती हूँ और तुझे कच्चा चबा जाती हूँ, तेरे टुकड़े कर 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 खाऊंगी कि तेरी मौत भी ऐसी होगी कि तू भी थर थर कांपेगा। इतनी सब बात कहती ही लड़का थर थर कांपने लगता है और चुड़ैल उसकी ओर आने लगती है। कुछ ही देर के बाद चुड़ैल उसके पास आ जाती है, तभी पीछे से उसकी पत्नी और बेटी आ जाती है और वह उसकी पत्नी उसके चाकू मारने लगती है। कुछ ही देर के बाद चुड़ैल तड़पने लगती है और चिल्लाती है, अरे बाप रे, ये कौन आ गया पीछे से, ये लड़की मुझे छोड़ दे। कुछ ही देर के बाद चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है और यह लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, अरे तुमने तो मेरी जान ही बचा ली, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालती। कुछ ही देर के बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और वह उसकी पत्नी और बेटी उसके पास आकर बोलते हैं, अब तो जी तुम बिल्कुल ठीक हो ना, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, मुझे पता था ये पीछे चुड़ैल थी। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं माना और मैं सोच रहा था कि कोई भी आसपास चुड़ैल नहीं है, ये तो एक खतरनाक चुड़ैल निकली असलियत की, मुझे क्या पता था कि चुड़ैल बुड़ैल भी होती है, इतनी भयानक चुड़ैल तो मैंने जिंदगी में पहली बार
मार देगी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज मैं नहीं बचता। वह लड़की उसकी जान बचा लेती है और वह लड़का बच जाता है।